बैचलर्स लाइफ बहुत टफ है। जब तक मैं घर पे था तब तक मौज थी। मेरे भाई साहब, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं लग रहा था। और अभी मैं हूँ हैदराबाद में और इधर ही जॉब कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे को थोड़ा टाइम वाइम नहीं लग पा रहा था। एक महीना हो गया मेरे को आए हुए, और यही हम लोग का रूम है, यहीं पे रह रहे हैं हम लोग। और पीछे जो खड़ा है वो सनी है, मेरा दोस्त, जो कि यहीं रहता है काफ़ी दिनों से। और सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को यहाँ जो आ रही है रूम में, पानी की दिक्कत है। कदम से 2 दिन में एक बार 1 घंटे के लिए पानी आता है, और फिर 1 घंटे में भर लो जो भरना है, और पानी स्टॉक करके यहाँ रखा जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्टॉक करके रखा हुआ है, बड़ा यूनिक तरीका है। मैं नागालैंड भी गया था, वहाँ भी पानी की दिक्कत थी, वहाँ भी पानी आता था। ओए, उसको क्या बोलते हैं पानी, जो कॉरपोरेशन वाला ना, कॉरपोरेशन वाले का पानी आता था नागालैंड में, वहाँ भी पानी स्टॉक करके बारिश का स्टॉक करते थे। यहाँ तो हैदराबाद में गर्मी इतनी है कि पूछो मत, बारिश का मौसम बनता है सिर्फ, बारिश नहीं आती। सबसे ज़्यादा हमको दिक्कत तीन से आ रही है हमारे रूम में, ये देखो कितनी चिड़िया है, बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ बाल्टियों में पानी स्टॉक किया हुआ है, ड्रम्स, एंड यही पानी का पाइप है, 1 घंटा आता है और इसमें पानी स्टॉक किया हुआ है। ये देखो, ये लगभग 10 फुट गहरा कुआं बनाया हुआ है, कुआं टाइप का बनाया हुआ है, टंकी फिट की हुई है अंदर, और इसी में पानी स्टॉक किया हुआ है। और इसी का पानी, एक दिन तो पानी आता है, उस दिन ताज़ा भरा हुआ था, और दूसरे दिन हम इसी का पानी यूज़ करते हैं नहाने वहाने के लिए। पीने के लिए हम पानी बाहर से ले आते हैं, कई बार हम अपना इसी में से भर के जो स्टॉक करते हैं वही स्टॉक करते हैं। और ये हमारा रूम, बैचलर्स का रूम, लाइट गुल है जैसे रह रहे हैं। और पानी स्टॉक करके ड्रम में रखना पड़ता है पीने के लिए, पता नहीं है कब पानी आए ना आए। और यही रूम है, कुछ दिखाने वाला खास है नहीं इसमें, पर शीशा हमारे घर में बड़ा वाला है जिसमें हम टिकटॉक बनाते हैं। और अब हम लोग घूमने जा रहे हैं, और यहाँ करकट वाला छत है तो गर्मी बहुत होती है, साला मार दे भाई, बहुत सारी गर्मी होती है। लेकिन हम थोड़े दिन के लिए यहाँ पे, लगभग ये वीडियो जब तक आएगी तब तक तो हमारा रूम चेंज हो गया होगा, क्योंकि हमने एक रूम देखा होगा, बन गया है, रेडी है। और लगभग 7 तारीख को उनके घर में पूजा है, 7 तारीख की पूजा के बाद हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। और ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका होने के कारण थोड़ा सा रोड ऊपर नीचे है, जरिया है पानी स्टॉक करने का, ये बनाया हुआ है। और इसमें भी पानी ही है, थड़ी बनाई हुई है, आपको लग रहा है ये सिर्फ थड़ी है, और इसमें भी पानी ही है, ऐसे पानी स्टॉक होता है। दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं पार्क में। जिस दिन हमारी छुट्टी होती है और घर पे बैठे काम धाम करके बोर हो जाते हैं, उस दिन हम लोग आ जाते हैं पार्क में घूमने इसी। और इधर आपने लेक देख ही लिया होगा, लेक है, और साइड में चलने की इतनी जगह, और थोड़े बहुत एक्सरसाइज करने के लिए देसी टूल लगे हुए हैं, और लोग एक्सरसाइज भी करते हैं। हम लोग आ जाते हैं थोड़ा वॉकिंग वॉकिंग करने, लोगों को देखते, बच्चों को देखते खेलते हुए, थोड़ा आ जाता है मज़ा सा, और बस यही है। और यहाँ की सबसे खास बात जो लगी और सबसे बेकार बात लगी, मेरे बाल की कटिंग देखो कैसी हुई है, और पहले ही कटिंग देखो। और हमेशा मेरे बाल की कटिंग वहाँ 50 रुपये में हो जाती है, और यहाँ कटिंग पूरे 130 रुपये लगे हैं, और 70 रुपये दाढ़ी के, 200 रुपये वहाँ, 100 रुपये में मेरा हो जाता है। और बात पैसों की भी नहीं है, बात देखो कटिंग कितनी गंदी किया, और जबकि ये सनी के पसंद वाले नाई के पास गया था, इसी का पसंदीदा नाई था। मैं कह रहा था वो बढ़िया वाले में चलते हैं, कह रहा नहीं ये बढ़िया काटता है, मैं कहा चल देखते हैं। और उसने एकदम खराब कट, हमेशा ऐसे लगवाता हूँ मैं, और ख़राब कर दिया कट अब की, क्या कर सकते हैं। और हैदराबाद हर चीज़ में महंगा है, ऐसा नहीं है कि सस्ता है, हर चीज़ में महंगा है, हर चीज़ यहाँ पे महंगा। पानी की दिक्कत है ही अलग से, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी अच्छे लोग हैं, थोड़े बहुत ख़राब तो हर जगह होते हैं, यहाँ के काफ़ी अच्छे लोग हैं। काफ़ी जगह हम लोग गए जहाँ लोगों से मिले, बहुत अच्छा बिहेवियर रहा, पर यहाँ पूरा सिंपल आदमी, लेकिन रिच जोड़ से बोल साले, क्या कह रहा है
रहा हूँ भाई, यहाँ पे जो भी हैं सिंपल आदमी रहते हैं लेकिन रिच आदमी है। रिच आदमी है, अच्छा। यहाँ पे लोग ज़्यादा दिखावेबाजी में यकीन नहीं रखते हैं बस, और बादल कड़क रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही। कितने दिन हो गए ये सब होते हुए। तो दोस्तों अभी, अरे यार बैचलर्स लाइफ में क्या क्या जिल्लत सहनी पड़ती है साला। रूम ऐसा है इसका, बल्ब भी खराब है साले का, होल्डर ही खराब है, हिल जाता है बार बार, दो मिनट बाद बंद हो जाता है। तो अभी हम लोग आके खाना वाना बना रहे थे, देखो चावल रखा हुआ है बनने को, और एक उसका ड्रामा अलग से चल रहा है, और प्याज कूट रहे चिकन बनाने के लिए। आज छुट्टी तो सोचा चिकन वगैन बना ले, और फिर खा बना के धोएंगे माजेंगे, 11 बजे तक फिर सोएंगे, फिर सवेरे वही 7 बजे उठ के खाना बनाओ खाओ और सो। बैचलर्स लाइफ बहुत टफ है, जब तक मैं घर पे था तब तक मौज थी। अरे भाई साहब ये बहुत तकलीफ है यार, तो रूम नहीं मिल रहा साला, बैचलर्स को कोई रूम दे के राजी नहीं है। बैचलर्स को कोई रूम दे के राजी नहीं। एक रूम देखा भी है तो उसने कहा 10 तारीख को मिलो, आज 10 तारीख है, आज फोन किया था, फोन नहीं उठाया पहले, बाद में कह रहा है कल आके मिलो अभी, तो कल मिलेंगे, देखते हैं क्या कहता है। सॉरी बहुत से लोगों को लगता है मेरी लाइफ बहुत मज़े में है, बहुत आसान है, बहुत मज़े में मज़ा काट रहा हूँ एकदम, मज़े के पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। बहुत से लोगों को लगता है बहुत मज़ा काट रहा हूँ मैं, मेरी जैसी लाइफ किसी की है ही नहीं, उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता भाई। अरे चलो कर लेते हैं, बना बना लेते हैं थोड़ी देर फिर। तो ये हो रहा अपना चिकन फ्राई, और अभी इसमें ग्रेवी डाली जाएगी, अभी थोड़ा सा पक जाए, और बस अपनी हालत ऐसी है, छोटा सिलेंडर घर में, थोड़े बहुत सामान, और इधर अपने कपड़े, बस यही है। अब जब से ये रह रहा है तब से इतना ही रखा है, रीबिल्ड करेंगे इसको अच्छे से, ज़रा रूम चेंज हो जाए। और हमारी एक चीज़ जो कहीं नहीं छोड़ती जाके, पीनट बटर क्रंची, हेल्दी डाइट फॉलो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना काफ़ी है, और स्ट्रगल आप देख रहे होंगे मेरी, बाकी लोग क्या कहते हैं आई डोंट केयर अबाउट थिंग्स। और इस वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी आई होप कि मेरा रूम चेंज हो गया हो, 2-3 दिन में तो अपलोड नहीं हो रही, 8-10 दिन लग जाएंगे, और उसके बाद रूम चेंज हो गया हो मेरा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लो चैनल और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, उन सबसे ज़रूरी। थैंक यू, और बहुत जल्दी चांद मीनार जाने वाले, बाय बाय, थैंक यू।